नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल अग्री उमा में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ऐसे स्प्रे के बारे में। यदि आप इस स्प्रे को अपने गेहूं की फसल में लगभग 40 से लेकर 50 दिन की अवस्था पर कर देते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी गेहूँ की फसल ग्रोथ करके चलेगी और उसके अंदर जो कल्ले होंगे गेहूँ के, वो बहुत ही शानदार तरीके से होकर चलेंगे। यानी गेहूं की फसल के लिए इसे आप एक बेहतरीन सर्वोत्तम स्प्रे कह सकते हैं। किसान भाइयों, इस स्प्रे के लिए आपको तीन से चार टेक्निकल इसमें आपको लेने हैं। इसके खर्चे की अगर बात करूं तो किसान भाइयों, इस स्प्रे में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मान लीजिए गेहूं की जो आपकी फसल है वो हल्की पीली भी पड़ रही है तो पीली पड़ना भी बंद हो जाएगी और फसल की रुकी हुई ग्रोथ है तो ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। जैसे आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है, आपके खेत के अंदर अगर ये सब चल रही है तो पहले पानी पर यदि आपने अच्छी खाद नहीं डाले हैं या बुआई के समय पर आपने अच्छे खाद नहीं डाले हैं, यदि आप इस स्प्रे को करेंगे तो आपकी फसल की पैदावार ग्रोथ को 100% यह बढ़ा देगा। यदि आप अभी तक किसान भाइयों अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं के फसल के अंदर 40 से 50 दिन के आसपास कौन सा स्प्रे करें। किसान भाइयों, जैसे गेहूं की फसल जो होती है 40 से लेकर 50 दिन के आसपास, इसके ऊपर जब चलना शुरू करती है तो हमारी फसल के अंदर जो हमारे खाद होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, इनकी कमी धीरे धीरे होने शुरू हो जाती है। क्योंकि गेहूं की जितनी ग्रोथ होगी पौधा उतना तेजी से के साथ खाद को ग्रहण करता है और ग्रहण करना यह शुरू करता है और खेत के अंदर हल्की हल्की सी कमी होना शुरू हो जाती है। पौधों की ग्रोथ जिस समय पर बढ़ेगी, खेत के अंदर कमी एक स्वाभाविक है। इस समय पर किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी भी खेत के अंदर आएगी, फास्फोरस की कमी भी खेत के अंदर आएगी, पोटास की कमी भी खेत के अंदर आएगी और सल्फर की कमी खेत के अंदर आएगी, खेत के अंदर आना शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इन चारों के कॉम्बिनेशन को आपको उपयोग में लाना है। यदि हम इन्हें दानेदार रूप में या खाद के रूप में डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हमारा हो जाता है। इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो किसान भाइयों को उपयोग में लाना है, इफको कंपनी का NPK 18 18 18 सल्फर युक्त खाद। किसान भाइयों, इसके अंदर नाइट्रोजन 18% है, फास्फोरस 18% है, पोटास 18% है और सल्फर हमारा इसके अंदर किसान भाइयों 6.7% दिया गया है। यानी इस स्प्रे को हम अपने गेहूं की फसल के अंदर कर देते हैं 40 दिन बाद तो किसान भाइयों, हमारी फसल की ग्रोथ तो बढ़ेगी, साथ ही साथ पीलापन चला जाएगा और आने वाले समय में हमारी फसल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से यह बालियां बनकर निकलेंगी। किसान भाइयों, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसका उपयोग आप 1 किलोग्राम NPK 18 18 18 को 500 ग्राम यूरिया के साथ 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव आप कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।